टीवीएस रेडियन और बजाज सीटी 110 सीसी में कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी बाइक को आपको प्राइस, माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से चुनना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो, इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को। इस चैनल पर आपको बाइक और स्कूटर संबंधित कंपेयर की वीडियो मिलती रहती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे और भी लोग जान सकें। तो कंपेयर की शुरुआत हम दोनों बाइकों के मॉडल और डिजाइन से करते हैं। दोनों ही बाइकें देखने में काफी अच्छी लगती हैं। जब से सीटी 110 हुई है तब से इसमें थोड़ा से ग्राफिक चेंज किए गए हैं, टैंक पैड लगाए गए हैं जिससे ये बाइक देखने में थोड़ी और भी अच्छी लगने लगी है। वहीं रेडियन में आपको आगे एलईडी डीआरएल मिलते हैं, साथ में अच्छे अच्छे कलर मिलते हैं और उसमें भी आपको टैंक पैड मिलते हैं। तो यहां पर दोनों ही बाइकें देखने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन रेडियन के कलर और उसका डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहां पर यह आपकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, इसलिए आप लोग इस चीज को स्वयं निर्धारित करें कि कौन सी बाइक आपको देखने में अच्छी लग रही है। हो सके तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लग रही है। मॉडल और डिजाइन को कंपेयर करने के बाद अब हम दोनों बाइकों के कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बजाज सीटी 110 सीसी की बात करते हैं, तो इसमें 115 सीसी का इंजन लगाया गया है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 8.6 BHP की 7000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 9.81 Nm की 5000 RPM पर। इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो सीटी 110 सीसी में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे SNS सस्पेंशन लगाया गया है। ब्रेक की बात की जाए तो आगे 130 mm की ड्रम ब्रेक है और पीछे भी 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिलती है सीटी 110 सीसी में। डायमेंशन की बात की जाए सीटी 110 सीसी की, तो इसकी सीट हाइट है 812 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, वजन है इसका 116 kg और इसका व्हील बेस है 1235 mm। पेट्रोल टैंक इसमें 10.5 लीटर का लगाया गया है। और अब रेडियन के स्पेक्स की बात की जाए तो सबसे पहले इंजन की बात करेंगे, तो रेडियन में लगाया गया है 109.7 cc का इंजन जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 8.4 HP की 7000 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 8.7 Nm की 5000 RPM पर। इसमें भी आपको 4 गियर मिलते हैं। ब्रेक की बात की जाए टीवीएस रेडियन की, तो इसमें आगे 130 mm की ड्रम ब्रेक है, पीछे भी 110 mm की ड्रम ब्रेक है, इसमें आपको सिंक ब्रेकिंग मिलती है। टायर साइज की बात की जाए तो रेडियन में आगे 2/75/18 का ट्यूबलेस टायर, पीछे भी 3/18 का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। सस्पेंशन की बात की जाए टीवीएस रेडियन की, तो इसमें आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगाया गया है और पीछे इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन लगाया गया है। डायमेंशन की बात की जाए रेडियन की, तो इसकी लगभग सीट हाइट है 800 mm, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस है 1265 mm, वजन है इसका 112 kg, पेट्रोल टैंक इसमें 10 लीटर का लगाया गया है और रिजर्व कैपेसिटी लगभग है 1.5 लीटर की। और प्राइस की बात की जाए तो टीवीएस रेडियन आपको लगभग 62,000 से 65,000 रुपए में मिल सकती है, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर सीटी 110 सीसी की बात की जाए तो ये आपको लगभग 55 से 58 तक मिल सकती है। यहां पर दोनों बाइकों की मैं आपको लगभग प्राइस बता रहा हूं, वो भी ऑन रोड, इसलिए आप अपने नजदीकी डीलर पर कंफर्म प्राइस के लिए जरूर संपर्क करें। और माइलेज की बात की जाए तो टीवीएस रेडियन आपको लगभग 60 से 65 तक की माइलेज दे सकती है। कुछ कंडीशन में अगर आप सही चलाएंगे तो कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं आपसे 60-65 की ही बात करूंगा। और बजाज सीटी 110 सीसी की बात की जाए तो ये आपको लगभग 60 से 65 या 70 तक की माइलेज दे सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि दोनों 110 सीसी के हैं तो ज्यादा और कम क्यों है, तो टीवीएस रेडियन में ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है जबकि उसमें सीटी 110 सीसी में अंडर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, इसलिए उसमें आपको सीटी 110 सीसी में माइलेज थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है। तो आपने दोनों बाइकों के प्राइस और माइलेज के बारे में जान लिया है, मैंने आपको दोनों बाइकों के मॉडल और डिजाइन को दिखा दिया है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला, कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। तो ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो बजाज सीटी 110 सीसी में आपको पावर ज्यादा लगेगी, लेकिन जब आप दोनों बाइकों को चला के देखेंगे, टेस्ट राइड करेंगे, तो सीटी 110 सीसी में आपको पावर कम लगेगी जबकि आपको टीवीएस रेडियन ज्यादा चलाने में मजा आएगा, क्योंकि उसका कारण है टीवीएस रेडियन में ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है जबकि सीटी 110 सीसी में अंडर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, इसलिए आपको राइडिंग क्वालिटी और पिकअप ज्यादा मिलेगा टीवीएस रेडियन में, लेकिन आपको माइलेज ज्यादा मिलेगी बजाज सीटी 110 सीसी में, क्योंकि इसका इंजन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें आपको माइलेज ज्यादा मिल पाए। तो अगर आपको पिकअप चाहिए और आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि अगर आप रफ राइडिंग करते हैं, आपको पिकअप और परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको टीवीएस रेडियन खरीदना चाहिए। और अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए तो आपको सीटी 110 सीसी खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें पिकअप तो है ही है। अब यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर पिकअप कम है, यहां पर थोड़ा बहुत का अंतर पड़ेगा, बाकी आपको ऐसा नहीं, क्योंकि ये भी 115 सीसी का इंजन इसमें लगाया गया है तो इसमें भी आपको अच्छी टॉर्क मिल रही है, अच्छा पिकअप मिल रहा है, लेकिन जो मैंने राइडिंग क्वालिटी और जो थोड़ा जल्दी उठ जाती है, इसलिए टीवीएस रेडियन के बारे में मैंने बताया। बाकी आपको इसमें पिकअप भी मिल रहा है, माइलेज भी मिल रही है, तो आप देख लें कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपको पिकअप और परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको माइलेज चाहिए। टीवीएस रेडियन आपको थोड़ा सा प्रीमियम लुक
लुक दे सकती है वो देखने में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है, उसमें आपको ज्यादा चीपर फीलिंग नहीं आती है। लेकिन आपको सीटी 110 सीसी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सस्ती बाइक सी है। तो यहां पर आप इन सारी चीजों को जरूर डिसाइड कर लें, आप अपनी हाइट के अनुसार जरूर चला के देख लें कि कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बाइक आपके लिए सही रहेगी। इसलिए मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप टेस्ट राइड जरूर कर लें। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में प्राइस, माइलेज, परफॉर्मेंस इन सारी चीजों को बता दिया है। और यहां पर एक बात मैंने आपको नहीं बताई है कि अगर आप सीटी 110 सीसी खरीदते हैं तो उसका प्राइस भी कम है, लगभग आपको 7 से 10 हजार या आप मान के चले 7 से 8 हजार रुपए का अंतर भी पड़ रहा है। तो यहां पर अगर आप प्राइस चाहते हैं कम और माइलेज चाहते हैं तो आपको सीटी 110 सीसी लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक चाहते हैं, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए रफ राइडिंग के लिए और आपको पिकअप चाहिए तो आप रेडियन खरीद सकते हैं। इस वीडियो का यही निष्कर्ष निकला। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।